अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर फाइन स्टूडेंट्स। एज यू नो डैट इट्स आवर मैथ्स लेक्चर एंड वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक डेसिमल्स। स्टूडेंट्स वी आर डिस्कस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 6, द स्टेटमेंट इज अ टाइगर ईट्स 3.4 किलोग्राम ऑफ मीट पर डे, हाउ मच विल इट ईट इन 1 वीक? स्टूडेंट्स द स्टेटमेंट हमारे पास जो गिवन है इसमें ये है कि 3.4 किलोग्राम जो मीट है वो टाइगर एक दिन में खा लेता है। हमने बताना है कि हाउ मच विल इट ईट इन 1 वीक, वो 1 वीक में जो है वो कितना मीट खा लेगा। तो बच्चों जो हमारे पास गिवन है हम सबसे पहले वो राइट कर लेंगे। बच्चों हमारे पास गिवन है कि पर डे में जो है वो टाइगर 3.4 किलोग्राम मीट खा लेता है। सो हेयर आई राइट टाइगर ईट्स मीट इन 1 डे। इज इक्वल टू 3.4 किलोग्राम। नाउ टाइगर ईट्स मीट इन 1 वीक। बच्चों अब हमें 1 डे का पता है कि 1 डे में टाइगर कितना मीट खा लेता है। बच्चों हमने 1 वीक का फाइंड करना है। बच्चों पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं। बच्चों 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो बच्चों हम 3.4 किलोग्राम को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। तो स्टूडेंट्स आवर आंसर इज़ 23.8 किलोग्राम। बच्चों हमें 1 डे का पता है कि 1 डे में वो जो है कितना मीट खा लेता है। बच्चों अब हमने जो है वो 1 वीक का फाइंड करना है। तो बच्चों जो 1 डे का हमारे पास है उसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो 1 वीक की अमाउंट आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, द स्टेटमेंट इज़ द कॉस्ट ऑफ 4 पैकेट्स ऑफ स्वीट्स इज़ रुपीज़ 480.56, वट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट? बच्चों यहाँ पे आप देखें हमारे पास 4 पैकेट्स की कॉस्ट गिवन है जबकि हमने 1 पैकेट की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं जो कि हमारे पास गिवन है। सो हेयर आई राइट कॉस्ट ऑफ 4 पैकेट्स इज इक्वल टू रुपीज़ 480.56। नाउ स्टूडेंट्स हेयर आई राइट कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट इज इक्वल टू रुपीज़ 480.56 डिवाइडेड बाय 4। बच्चों 4 पैकेट्स की कॉस्ट हमें पता है। बच्चों हमने 1 पैकेट की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो जो 4 पैकेट की कॉस्ट है उसको अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1 पैकेट की कॉस्ट आ जाएगी विच इज़ रुपीज़ 120.14। बच्चों आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है। बच्चों जब हमारे पास पर डे मीन्स एक चीज़ की कॉस्ट पता हो या एक चीज़ की वैल्यू हमारे पास गिवन हो, हमने ज़्यादा की निकालनी हो, तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। और बच्चों जब हमारे पास जो है वो ज़्यादा चीज़ों की कॉस्ट हमें पता हो और हमने एक चीज़ की कॉस्ट फाइंड करनी हो तो हम डिवाइड कर देते हैं। सो गुड लक फोर्थ क्लास।